गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता डॉक्टर फार्माकोलॉजी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर अमित गुप्ता डॉक्टर फार्माकोलॉजी पर बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर फार्माकोलॉजी इज ड्रग फॉर डी एडिक्शंस। जैसे हमने लास्ट टॉपिक जो आपके साथ खत्म किया था वो एंटी कैंसर ड्रग के बाद इम्यूनो सप्रेसेंट के साथ ख़त्म किया था। तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स के बाद में एक आपकी कीमोथेरेपी की यूनिट थी अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। तो जो आपकी कीमोथेरेपी यूनिट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये नेक्स्ट यूनिट है जिसमें आपका सीपीआर है, ड्रग एडिक्शन है, कुछ विटामिन्स हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिट नंबर शायद सेवन्थ है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। तो यूनिट नंबर सेवन्थ का जो फर्स्ट टॉपिक है वो ड्रग फॉर डी एडिक्शंस यानी ड्रग जो उन ड्रग का यूज़ करना डी एडिक्शन करने के लिए जो ड्रग यूज़ होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। डी एडिक्शन से पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द एडिक्शंस। तो यहाँ पे कह सकते हैं एडिक्शन क्या है। एडिक्शन जैसे कि आप समझते हो किसी के प्रति आदि हो जाना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आदि हो जाना और उसके बिना नहीं रह पाना, तो ये एडिक्शंस एडिक्शन के टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर हम ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डी एडिक्शंस वो भी ड्रग एडिक्शंस। तो क्या होंगे ड्रग एडिक्शंस इन द फॉर्म इन रेस्पेक्ट टू द ड्रग। द डिटरमिनेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग नॉट ओनली हार्म द इंडिविजुअल बट सोसाइटी एज वेल एज, यानी वो ड्रग के इफेक्ट ड्रग वो ड्रग जो इतने इफेक्ट ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जिसके कारण उस इंडिविजुअल को तो हार्मफुल है ही साथ में सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल है। जैसे एग्जाम्पल बात करूँ, अगर कोई पर्सन अल्कोहल ज़्यादा लेता है, अल्कोहल ज़्यादा लेता है तो उसके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल है, साथ में सोसाइटी जो उसके आसपास लोग हैं उसके लिए भी हार्मफुल हो सकता है। अगर वो मॉर्फिन अफीम ये चीज़ें लेता है या जो हमारी स्लीपिंग पिल्स होती हैं बेंजोडाइपिन बारबिट्यूरेट्स वो ज़्यादा लेता है तो अपने लिए उसके लिए तो है ही हार्मफुल, साथ में वो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल हो जाती हैं, इन चाहे वो आपके उसकी फैमिली के लिए हो या उसके आसपास के नज़दीकी जो आस पड़ोसी हैं वो उसके लिए हो सकती हैं या उसके रिलेटिव के लिए भी हो सकते हैं। तो वो ड्रग का जो वो ड्रग एडिक्शन का एक पार्ट हो जाता है। देयर इज ऑलवेज इंटेंस क्रेविंग टू प्रोड्यूस टू प्रोक्योर द ड्रग बाई एनी मीन्स। और ये ड्रग एडिक्शन जब हो जाए तो वो पर्सन क्या करेगा, उसको हमेशा क्रेविंग मतलब तलब लगती रहती है कि वो किसी तरीके से वो ड्रग को ले ले, किसी भी हालत में उसको वो ड्रग लेनी है। इतनी क्रेविंग रहती है, इतनी ज़्यादा उसको मतलब वो लत लगती है कि मतलब लत होती है कि वो उसे लेना ही चाहता है किसी हालत में, बस किसी हालत में उसे मिल जाए, उसके बिना उसे रह नहीं मिलेगा, इस तरह की लत हो जाती है। तो वो ड्रग एडिक्शन का पार्ट है। दिस इज ऑलवेज इंटेंस क्रेविंग, क्रेविंग मतलब बहुत ज़्यादा तलब लगना टू प्रोड्यूस ड्रग बाई एनी मीन्स, किसी तरीके से उसे टू प्रोक्योर ड्रग एनी मीन्स, किसी तरीके से उसको वो ड्रग मिल जाए। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, और साथ में टॉलरेंस का डेवलपमेंट हो जाना। टॉलरेंस के बारे में मैंने बताया था आपको, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई एक पर्सन एक पैक ड्रिंक करता है, एक पैक मतलब 150 ml बोल जाता है, 150 ml के आसपास एक पैक रहता है, तो एक पैक ड्रिंक करता है तो उसको थोड़ा सा नशा होने लगता है, तो वो दो तीन दिन कंटिन्यू करे तो उसके लिए टॉलरेंस हो जाएगा, जो उससे एक पैक से जो उसे नशा हुआ था वो जब दो पैक लेगा तब उसे नशा हो जाएगा। यानी कि वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जब ड्रग का अमाउंट या किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ाया जा रहा है तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। मतलब इफेक्ट वही है, वही नशा प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग का अमाउंट क्या और बढ़ाना पड़ रहा है। तो जो ड्रग एडिक्शन हो जाते हैं उनके अंदर टॉलरेंस भी उसके अगेंस्ट ज़्यादा हो जाता है कि उनको ज़्यादा अमाउंट में वो नशा करने वाला सब्सटेंस चाहिए होता है, तो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। एंड देयर आर लाइफ थ्रेडिंग अलार्मिंग विड्रॉल इफेक्ट आफ्टर ए सीजन ऑफ ड्रग्स। मतलब अगर इस कंडीशन में जाती है, अगर वो किसी ड्रग को छोड़ते हैं, ड्रग एडिक्शन किसी को हो गया है, जैसे हीरोइन है, मॉर्फिन है, अफीम है, इन सब चीज़ों का अगर कोई जो ज़्यादा ले रहा है उसको छोड़ें तो उसके लिए उसके विड्रॉलिंग इफेक्ट नहीं, छोड़ने की हालत में भी वो ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं या उसकी हालत बहुत गंभीर कर देते हैं। तो इस तरह के जो गंभीर इफेक्ट हो रहे हैं जब वो छोड़े तो इस तरह की कंडीशन भी किसमें आती है, ड्रग एडिक्शन में आती है। तो कुल मिलाकर ड्रग एडिक्शन क्या है, एडिक्शन क्या है कि उन ड्रग का यूज़ करना जो उसके लिए हार्मफुल हो, समाज के लिए हार्मफुल हो, जो और वो इस तरह से जो उसके लिए इतनी ज़्यादा तलब लगती हो कि उसके बिना वो रह नहीं पाए, साथ में उसके अंदर उसको टॉलरेंट डेवलप होने लगता है, उसकी ड्रग को वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने अमाउंट ऑफ ड्रग उसे ज़्यादा चाहिए होता है, और अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसके साथ में बहुत अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो उसके लिए हॉस्पिटलाइज कंडीशन में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये सब क्या है, एडिक्शन का पार्ट है, ये ड्रग एडिक्शन होता है।
अब सबस्टेंस और डिपेंडेंस किस वजह से एडिक्शन या सबस्टेंस डिपेंडेंसी होती है? डिपेंडेंसी और एडिक्शन, अब जैसी एडिक्शन मतलब बुरी चीज़ों का यूज़ करना, डिपेंडेंस मतलब उस पर डिपेंड हो जाना, ठीक है। तो डिपेंडेंस सबस्टेंस डिपेंडेंस किस सबस्टेंस की वजह से वो आदि आ जाता है? एक तो होता है साइकोलॉजिकली, दो टाइप की डिपेंडेंसी हो सकती है, दो टाइप की एडिक्शन हो सकता है। एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन डिपेंडेंसी होती है और एक फिजिकल डिपेंडेंसी होती है। साइकोलॉजिकली मतलब उसे महसूस होगा कि इसके बिना रह नहीं सकता, बट फिजिकली क्या मतलब अगर वास्तविक अगर छोड़ेगा तो उसके साथ में दिक्कत हो सकती है। तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं कंपेयर करें तो फिजियोलॉजिकल में सॉरी साइकोलॉजिकल और फिजिकल में डिफरेंस करें तो साइकोलॉजिकल में क्या है, मॉडरेट कंपल्सिव सीकिंग बिहेवियर और इंटेंस क्रेविंग फॉर द ड्रग। मॉडरेट कंपल्सिव सीकिंग बिहेवियर मतलब उसे तरह लगती है कि मिल जाए किसी तरीके से तो मेरे माइंड को रिलैक्स मिल जाए। लेकिन अगर फिजिकल डिपेंडेंसी होगा तो इंटेंस क्रेविंग, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगा कि किसी हालत में मिल जाए, उसके बिना वो रह नहीं सकता, लड़ जाएगा, मिट जाएगा, उसे वो ड्रग चाहिए होगी। लेकिन मॉडरेट कंपल्सिव सीकिंग बिहेवियर मतलब उसे चाहिए मिल जाए तो ठीक है, तो वो क्या है साइकोलॉजिकली है। लेकिन फिजिकली में वो क्या आएगा, लड़ जाएगा, मिट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन उसे वो ड्रग लेके रहेगा। दिस इज इंटेंस क्रेविंग फॉर द ड्रग ड्यूरिंग दिस इज कंडीशन फिजिकल में, लेकिन साइकोलॉजिकल में ऐसा नहीं होता है। टॉलरेंस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, टॉलरेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, किसमें साइकोलॉजिकल में। जैसे अगर वो कोई ड्रग या जैसे चाय है, कॉफ़ी है, तो वो क्या है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होती है, फिजिकल डिपेंडेंसी नहीं होती है। कॉफ़ी मिल जाए लेकिन नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं, लड़ेगा घटेगा नहीं। टॉलरेंस मे नॉट बी डिपेंडेंट, टॉलरेंस हो भी सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है कॉफ़ी से उसकी नींद खड़क जाए तो दो बार दो तीन कॉफ़ी ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। लेकिन फिजिकल डिपेंडेंसी हो रही है तो ड्रग के रिलेशन में होती है, तो उसमें उसे टॉलरेंस डेवलप होगा, उसको उतने ही नशे करने के लिए उतना ही अपीयरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ड्रग की नीड होने लगती है कुछ समय बाद, देन टॉलरेंस डेवलप होगा। थर्ड इज ए विड्रॉलिंग इफेक्ट इज लेस फ्रिक्वेंट एंड माइल्ड, जो विड्रॉलिंग अभी कुछ छोड़ेगा तो इतने ज़्यादा कोई सीवियर साइड इफेक्ट जनरेट नहीं होते कि उसे हॉस्पिटलाइज करने की कंडीशन बने, लेस फ्रिक्वेंट एंड माइल्ड सिम्टम रिलेवेंट होते हैं। लेकिन जब फिजिकल डिपेंडेंसी होगी तो विड्रॉलिंग इफेक्ट आर सीवियर एंड डिस्टेंसिंग, मतलब जो अगर छोड़ेगा, छोड़ने पर उसे क्या होगा, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट जनरेट होंगे और उसे हॉस्पिटलाइज की कंडीशन, हॉस्पिटल में पहुँचने की कंडीशन जैसी पहुँच जाएगी जो उसके इतने एडवर्स इफेक्ट उसके लिए हार्मफुल हो जाते हैं जब वो उस ड्रग को उस सबस्टेंस को छोड़ता है तब। तो ये तो हो गया साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी अलग होती है और फिजिकल डिपेंडेंसी होती है, और यहाँ पर हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो फिजिकल डिपेंडेंसी जरूरी होता है। फिजिकल डिपेंडेंसी में उसके अगर डिपेंडेंस विड्रॉलिंग करेगा तो उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत डेंजरियस हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या होता है माइल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और मॉडरेट टू सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो माइल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो होते हैं वो कॉफ़ी है, जैसे मैंने बताया था, टी है और सिगरेट स्मोकिंग है। अगर सिगरेट स्मोकिंग मोर देन 10 डे पर करता है, 10 डेट 6 ज़्यादा से ज़्यादा वो स्मोकिंग कर रहा है तो वो आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाएगी। और दस और वो तो ये माइल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। और मॉडरेट सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में क्या होती है, ड्रग मेजोरिटी आते हैं, जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन अफीम में अफीम का एक पार्ट होता है, एम्फेटामिन एक आपका जो आपके बेसिकली सिंपैथोमिमेटिक ड्रग होती है जो हमारी बॉडी के परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है और जिसके लेके हमारे ब्रेन अच्छा काम करता है, हमें बहुत भाग हमारे बॉडी में स्टेमिना बढ़ जाता है। तो एम्फेटामिन्स बेसिकली एक डोप टेस्ट में भी आता है कि डोप अगर एम्फेटामिन अगर लिया हो तो डोप टेस्ट उसका डोप टेस्ट में काउंट किया तो एथलेटिक के लिए होता है। इसे कोकेन होते हैं, कोकेन आप जानते हैं, निकोटीन तो टबैको में होता है, LSD जो भांग है भांग में होता है। तो ये आपके मॉडरेट मतलब मॉडरेट से लेकर सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये उस टाइम तक लिए जाएँ तो मॉडरेट हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक लिए जाएंगे तो सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा मॉडरेट टू सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस विद माइल्ड फिजिकल डिपेंडेंस में क्या कौन कौन से आएंगे, जो मॉडरेट टू सीवियर में लेकिन माइल्ड फिजिकल, इसमें फिजिकल डिपेंडेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसमें बेंजोडायपिन्स है, अल्कोहल है। अल्कोहल और बेंजोडायपिन्स अगर कंटिन्यू लेते रहे तो फिजिकल डिपेंडेंसी की चांसेस बढ़ जाते हैं। और अल्कोहल जब मोर देन 2 ड्रिंक पैक लगता है, 2 से ज़्यादा पैक पर डे लेगा तो चांसेस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंसी की बन जाएंगे। इसी तरह सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस माइल्ड फिजिकल डिपेंडेंस, तो सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस माइल्ड फिजिकल डिपेंडेंस कब हो सकता है, जब ऑपियाइड्स हैं, बारबिट्यूरेट्स हैं, अल्कोहल का हैवी यूज़ करें, तब आपका वो सीवियर साइकोलॉजिकल और माइल्ड फिजिकल डिपेंडेंसी कंडीशन बन जाती है। तो ट्रीटमेंट हमें कहाँ नीड होता है, तो ट्रीटमेंट हमारा माइल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में नीड नहीं होती है, बट मॉडरेट में नीड पड़ेगी ट्रीटमेंट की, मॉडरेट टू सीवियर और सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, तीनों ही कंडीशन में हमें
नीड होती है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो है माइल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। यहाँ विथड्रॉइंग सिम्टम्स इतने हार्मफुल नहीं है, बट सेकंड कंडीशन मॉडरेट टू सीवियर साइकोलॉजिकल विद फिजिकल और सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस विद माइल्ड फिजिकल डिपेंडेंस, दोनों ही तीनों कंडीशन में हमें ड्रग के देने की जरूरत पड़ती है ताकि उसके विथड्रॉइंग सिम्टम्स को दूर किया जाए, विथड्रॉइंग सिम्टम्स के लिए हानिकारक ना हो कि वो उसके लिए क्रिटिकल हालत बन जाए, यानी छोड़ने पर जो हालत होती है उसकी बात होती है। विथड्रॉइंग सिम्टम मतलब उस ड्रग को छोड़ने के बाद जो सिम्टम्स बॉडी में जनरेट होते हैं, डेट इज द विथड्रॉइंग सिम्टम्स। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी की अप्रोच क्या होगी कि विथड्रॉइंग जो हमने उसको डी एडिक्शन कर रहे हैं, छुड़वा रहे हैं उसका, और उसके कंडीशन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है, फॉर्मूले अप्रोच क्या होती है उसको हम देखें। तो पहले क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अब्यूज ड्रग्स वाई सिमिलर ड्रग हैविंग लॉन्गर प्लाज्मा हाफ लाइफ। पहले क्या होती है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो ड्रग वो ले रहा था उसके सब्स्टिट्यूशन में दूसरी ड्रग देना शुरू करते हैं जो उसके लिए हार्मफुल कम हो और लॉन्ग टाइम तक वो एक्ट रहे। तो सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब्स्टिट्यूशन दिया जाएगा अब्यूज ड्रग का, जो ड्रग अब्यूज़ है जो उसके लिए हानिकारक है, उस ड्रग का कोई छोटा कोई ऐसा दोष छोटा कुछ कम प्रभाव प्रोड्यूस करने वाले लॉन्ग टर्म तक रहने वाली उस ड्रग का सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है ताकि हल्के हल्के उसके क्या विथड्रॉइंग सिम्टम्स को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, एवर्सिंग थेरेपी बाई यूजिंग ए ड्रग। एवर्सिंग थेरेपी मतलब क्या है, कुछ ऐसी ड्रग देते हैं जिसके कारण उसे क्या होता है, ऐसा लगता है कि उस ड्रग को हम देखेंगे तो लगेगा कि मैं जो अल्कोहल ले रहा हूँ या कुछ और ले रहा हूँ उसकी वजह से मुझे एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे ही वो एडवर्स उस ड्रग को जिसकी ड्रग अब्यूज़ को छोड़ता है तो वो एडवर्स इफेक्ट होना कम हो जाते हैं, वोमिटिंग है, चक्कर आने हैं, ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो एवर्सिंग थेरेपी का मतलब क्या है कि एवर्सिंग थेरेपी में हम कुछ ऐसे ड्रग देते हैं जब वो ड्रग अब्यूज़ वाली चीज़ें लेता है, गलत चीज़ें ज़्यादा लेता है, अल्कोहल ले और या कोई और ड्रग लेता है, तो उसके साथ में उसकी बॉडी में अनडिजायरेबल सिम्टम जनरेट होते हैं। अगर वो नहीं लेता है तो नहीं जनरेट होती, तो उसके पेशेंट के माइंड में क्या आता है कि अल्कोहल लेने की वजह से क्या हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो वो अल्कोहल को छोड़ने की कोशिश करने लगता है। तो वो तो आपका एवर्सिंग थेरेपी ये होती है। ठीक है, उसके अलावा यूज़ ऑफ प्रॉपर एंटागोनिस्ट टू प्रिवेंट द रिलैप्सिस वंस द ड्रग फ्री स्टेटस अचीव्स। इसके अलावा कुछ हम एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि जो ड्रग आपके ड्रग अब्यूज़ जो ड्रग हैं या सबस्टेंस हैं जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं या नशा करते हैं, वो जिस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं जिस रिसेप्टर को एक्टिवेट होने की वजह से तलाव लग रही होती है या फिर एडवर्स इफेक्ट जनरेट होते हैं, उन ड्रग को उन रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, प्रॉपर एंटागोनिस्ट टू प्रिवेंट द रिलैप्सिस वंस ड्रग फ्री स्टेटस अचीव, यानी कि इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, ब्लॉक कर देंगे तो तलाव उस पेशेंट को नहीं लगेगी और ना ही उसके विथड्रॉइंग सिम्टम आ पाएंगे। इसके अलावा यूज़ ऑफ सच ड्रग विच रिड्यूस द क्रेविंग ऑफ अब्यूज ड्रग्स। इसके अलावा कोई वो ड्रग हम यूज़ करते हैं जो उसकी क्रेविंग यानी कि तलब को दबा सकें, यानी वो ड्रग हम यूज़ करें जो उसकी तलब को दबा पाएँ, ताकि तलब दबेगी तो वो द्वारा उसको उसको उसकी वो उस ड्रग को अल्कोहल को या मॉर्फिन को या गांजा को चरस को किसी को वो मारेगा नहीं। इसके अलावा रिवेडेशन एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन मतलब क्या, रिवेडेशन मतलब उसको उसकी काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग करके समझाया जाता है ऐसा है ऐसा है, उसकी काउंसलिंग करके उसके माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, तो वो साइकोलॉजिकल और रिहैबिलिटेशन से वो प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हमारी अप्रोच होती है वैसे ट्रीटमेंट की। पहला क्या बताया मैंने आपको, सब्स्टिट्यूशन से थ्रू थेरेपी करना। दूसरा क्या बताया आपका, एवर्सिव थेरेपी मतलब बताया था कि वो इस तरह के ड्रग दें जिससे कि वो अब्यूजिंग वाली चीज ले तो उसको उसके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट जनरेट होना शुरू हो। तीसरा बताया कि यूज़ ऑफ प्रॉपर एंटागोनिस्ट का यूज़ करें ताकि उसको उस एंटागोनिस्ट का यूज़ करेंगे ताकि उसके एडवर्स इफेक्ट को कम दबाया जा सके, विथड्रॉइंग इफेक्ट को कम किया जा सके। ठीक है, और चौथा क्या है कि हम उसकी ऐसी ड्रग को यूज़ करें जो उसकी क्रैबिंग उसकी तलब को शांत करें, और लास्ट में आपका रिहैबिलिटेशन और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन मतलब उसके काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं और उसकी ब्रेन को डाइवर्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें किया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ट्रीटमेंट पहले बात करते हैं अल्कोहल डिपेंडेंसी का। अल्कोहल डिपेंडेंसी पहले तो ट्रीटमेंट दिया जाता है, एवर्शन थेरेपी दी जाती है डाइसल्फ्यूरम के साथ में। एवर्शन थेरेपी का मतलब है, अगर एवर्शन थेरेपी मतलब अगर हम पेशेंट को डाइसल्फ्यूरम किसी खाने मिला के या जूस में मिला के दे देते हैं और वो पेशेंट बाद में अल्कोहल यूज़ करेगा, तो अल्कोहल और डाइसल्फ्यूरम जो ले रहा है और अल्कोहल यूज़ करेगा तो उससे तुरंत ही सीवियर रिएक्शन प्रोड्यूस होती हैं, जैसे उसे वॉमिटिंग होगी, उसका हेडेक होगा, उसको पेन होगा,
तो जब उसे ये फील होता है कि उसे पता नहीं होता कि डेल्सोन उसको दिया जा रहा है, उसे छुपके दिया जाता है, अब वो इसे ये लगेगा कि डेल्सोना वो अल्कोहल जब ले रहा है तभी उसके साथ में सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्या, वो अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करेगा। तो एबेशन थेरेपी ऑफ डाइसल्फ्राम क्या हुआ, डाइसल्फ्राम हम पेशेंट को छुप कर दे रहे हैं, पेशेंट को पता नहीं है मैं डाइसल्फ्राम दे रहा हूँ, क्योंकि हाँ पेशेंट को उसको दिया जा रहा है डाइसल्फ्राम, वो उसके जूस में खाने में मिला के दे दिया। जब वो अल्कोहल ले रहा है तो डाइसल्फ्राम की वजह से क्या हुआ, अल्कोहल लेने की वजह से उसकी उसके क्या हुआ, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगा, डिजनेस होगा, ठीक है, और ये गैस्ट्रिक अपसेट होंगे। तो उसे ये लगेगा पेशेंट को कि अल्कोहल की वजह से हो रहा है, अल्कोहल नहीं लिया था तब तो मेरे साथ में नहीं था, लेकिन अल्कोहल लेने के बाद तुरंत मुझे सब चीज़ जनरेट होने लगी, इस वजह से वो क्या होगा अल्कोहल को छोड़ने की कोशिश करने लगता है, छोड़ना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ द एवर्शन थेरेपी जिसमें डाइसल्फ्राम दिया जाता है अल्कोहल के दिए, डोज जो है 1 ग्राम पर फर्स्ट डे, पहले दिन एक ग्राम दी जाती है, फिर दूसरे दिन 250 mg घटा के 750 mg दी जाती है, सेकेंड डे, थर्ड डे फिर 500 mg दी जाती है, फिर फोर्थ डे आपका 250 mg दी जाती है, और फिर 250 mg मेंटेन रखते हैं एक हफ्ते के लिए। तो इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा नैनट्रोक्सन जो ओपियट ड्रग्स होती हैं, रिड्यूस द अल्कोहल क्रेविंग, अल्कोहल के तलब को दबाने के लिए क्या करते हैं, नैनट्रोक्सन देते हैं जो ओपियट ड्रग्स हैं, इसकी डोज कितनी होती है 50 mg ओडी होती है। इसके अलावा ट्रोपिनामाइड है, फ्लोक्सेटीन है, ट्रोपिनामाइड आपकी डो गाबा एंटागोनिस्ट होती है, गाबा रिसेप्टर को दबाने वाली होती है, जिससे कि क्या है उसके जो एडवर्स इफेक्ट को कम से कम किया जाए, उसके विड्रॉलिंग इफेक्ट को कम करने के लिए ट्रोपिनामाइड यूज़ करते हैं। फ्लोक्सेटीन भी यूज़ किया जाता है, फ्लोक्सेटीन आपकी बेसिकली आपकी एंटी डिप्रेशेंट ड्रग होती है, ये भी एक विड्रॉलिंग इफेक्ट जो होते हैं, विड्रॉलिंग सिम्टम होते हैं उनको कम करते हैं। ऑन्डीसिट्रोन क्या है, अगर अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है तो उसे वोमिटिंग जैसे एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऑन्डीसिट्रोन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एकम्प्रेसेट भी यूज़ की जाती है, वो रिड्यूस द रिलेप्सिस ऑफ ड्रिंकिंग बिहेवियर, एकम्प्रेसेट जो दी जाएगी तो उससे क्या है, उसको बार बार अल्कोहल की जो पीने की हुड़क है वो थोड़ी सी कम होने लगेगी, उसे बार बार अल्कोहल की चाहत कम हो जाती है बाय द यूज़ ऑफ एकम्प्रेसेट इन ड्रग होती है, ये बेसिकली NMDA रिसेप्टर्स होती हैं और गाबा रिसेप्टर को एगोनिस्ट होती है, जिससे गाबा रिसेप्टर का थोड़ा सा एक्टिवेट होने की वजह से क्या है कि उसे अपीयरेंट इफेक्ट आएगा और अल्कोहल को लेना की उसकी चाहत या अल्कोहल लेने की हुड़क उसे नहीं जाएगी। तो ये इस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है अल्कोहल डिपेंडेंसी, पहले बताया मैंने एब्रेशन थेरेपी विद डाइसल्फ्राम, इसके बाद नैनोट्रोक्सन दिए जाएंगे उसकी क्रेविंग कम करने के लिए, इसके अलावा आपका टोपिरामाइड है, फ्लोक्सेटीन है, ये बेसिकली आपके उसके विड्रॉलिंग सिम्टम जो हैं उसको ये रिड्यूस करते हैं, विड्रॉलिंग सिम्टम जो होते हैं छोड़ने पर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको छोड़ जो दूर करते हैं। ऑन्डीसिट्रोन है, अगर वोमिटिंग या सिम्टम आ रहे हैं उस कंडीशन दी जाती है, और एकम्प्रेसेट वो इसलिए दी जाती है ताकि उसे बार बार जो तलब लग रही है, बार बार जो तलब हो रही है वो तलब को मतलब फ्रिक्वेंसी को कम किया जाए बाय द यूज़ ऑफ एकम्प्रेसेट। ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। नेक्स्ट आते हैं डिपेंडेंस ओपियट डिपेंडेंस, ओपियट मतलब मॉर्फिन है, हीरोइन है, तो ये हीरोइन है, मॉर्फिन है, ये सब जो पाउडर्स होते हैं, ब्राउन शुगर होती हैं, ये भी आपका मॉर्फिन ओपियट्स होते हैं, तो इन सब की डिपेंडेंसी हो गई है किसी पेशेंट के लिए, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन थेरेपी पहले यूज़ करते हैं, तो एकदम अगर हम इस चीज़ छोड़ेंगे तो उसके बहुत जो विड्रॉलिंग सिम्टम होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जो उसके लिए लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं हम सीधे विड्रॉलिंग ना करके उसके हम सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यूज़ करते हैं, मतलब जैसे कोई पेशेंट हीरोइन ले रहा है तो हीरोइन की जगह से हम मेथाडोन या बुप्रोनॉर्फिन मॉर्फिन देते हैं, उसको करते हैं, ये क्या है आपके मेथाडोन क्या लेस हार्मफुल हैं सब्स्टिट्यूशन है, ओपियाइड्स हैं बट लेस हार्मफुल हैं, लॉन्ग टाइम पर एक्टिंग होते हैं, मतलब इसके इफेक्ट हैं वो आपके इतने सीवियर साइड इफेक्ट जनरेट नहीं करते हैं और थोड़ा ना ही डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे, साथ में ये लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रहेंगे, यानी कि हीरोइन की जगह मेथाडोन कुछ दिन तक दिया जाता है ताकि उसके विड्रॉलिंग सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर ना हो जाएं। उसके बाद में हम ओपियट एंटागोनिस्ट का भी यूज़ करते हैं, ओपियट एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर अगर एक्टिवेट रहेंगे तो बार बार क्या है कि उसको उन चीज़ों की तलब लगेगी, और रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो क्रेविंग जो होती है वो आपकी कम हो जाती है, तो नैनोट्रोक्सन जो होती है वो आपके ओपियट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रेविंग जो चाहत है वो आपकी कम हो जाएगी, साथ में विड्रॉलिंग सिम्टम्स भी क्या होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। तो नैनोट्रोक्सन क्या करेंगे, वो आप नैनोट्रोक्सन की डोज 100 से लेकर 150 mg जी टाइम से वीक दे सकते हैं या 50 mg ओडी दे सकते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्लोनिडिन जो है वो सिंपैथोलाइटिक ड्रग है, जो आपकी
लक्सिडीन है, ये दोनों सिंपल डायरेक्टर ये बेसिकली आगे विड्रॉलिंग जो सिम्टम्स होते हैं उसे छोड़ने पर जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं उनको ये कम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं निकोटिन डिपेंडेंस। निकोटिन डिपेंडेंस के लिए भी क्या है, ये आपके बेसिक निकोटिन क्या करते हैं, आपके सीधे सिंपैथेटिक यानी निकोटिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। तो क्लोनिडिन जो है वो आपके सिंपैथेटिक में ही एक्टिंग होती है और जिसकी वजह से निकोटिन की तलब को थोड़ा कम कर देते हैं। क्लोनिडिन की वजह से क्या होगा, निकोटिन की तलब थोड़ी कम लगेगी। इसके अलावा निकोटिन डर्मल पैचेस आते हैं। निकोटिन डर्मल पैचेस लगाने से क्या होगा, निकोटीन हल्का हल्का हमारी ब्लड में पहुँचता रहता है जिसकी वजह से निकोटीन जो मतलब तंबाकू की तलब नहीं लगती है, हल्के हल्के उसका तलब कम होने लगती है। इसके अलावा ब्यूरोपियन भी 150-300 mg बीड़ी दी जाता है जो बेसिकली जो हमारे निकोटीन ना लेने की वजह से जो बॉडी में एंजाइटी डेवलप हो रही है, जो एग्रेसिवनेस हो रही है उसको ये थोड़ा सा ये शांत कर देता है। क्योंकि अगर वो पेशेंट को निकोटीन ना मिले तो उसको क्या होगा, उसके अंदर एंजाइटी डेवलप होगी, एग्रेसिवनेस होगा, थोड़ा सा गुस्सा करेगा। तो ये थोड़ी सी गुस्सा आने के लिए एंजाइटी वाली फीलिंग को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम ब्यूरोपियन देते रहते हैं, बेसिकली एंटी एंजाइटी ड्रग होती है। इसके अलावा वेरिसिलिन भी दी जाती है। वेरिसिलिन आपकी 0.1 mg ओडी दी जाएगी, बाद में 1 mg बीडी दी जाती है फॉर 8 डे से लेकर 6 मंथ के लिए। और वेरिसिलिन बेसिकली क्या है, ये आपके जो आपके निकोटिन रिसेप्टर्स होते हैं उस पर एक्ट होती है और उसकी वजह से क्या होगा कि निकोटिन की जो तलब है वो आपकी कम लेने लगती है और एडवर्स इफेक्ट भी कहाँ है कम से कम आने लगता है। फिर आते हैं बारबिट्यूरेट डिपेंडेंसी। बारबिट्यूरेट बेसिकली वो ड्रग होते हैं जो नींद पहले बारबिट्यूरेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब थोड़ा कम हो गया है। बारबिट्यूरेट वो ड्रग होती हैं जो स्लीपिंग ड्रग कह सकते हैं, जिसकी वजह से नींद बहुत आती है और बेहोशी जैसी हालत बन जाती है। अगर वो कोई बारबिट्यूरेट ले रहा है, डिपेंडेंस हो गया, उस कंडीशन में हमें पहले क्या करना, सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, मतलब एकदम बारबिट्यूरेट छोड़ेंगे तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, विड्रॉलिंग सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम क्या करें, उसकी विड्रॉल करते हुए सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यूज़ करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट उस देना शुरू कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट में आपका पेंटोबायोटोन फिनोबायोटोन है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग है और लाइटली वो आपका सीनस को डिप्रेस करेंगे जिसकी वजह से क्या है, विड्रॉलिंग सिम्टम ज़्यादा नहीं आते हैं, विड्रॉलिंग सिम्टम कम से कम आएंगे। डिटॉक्सिफिकेशन, अगर किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी में बारबिट्यूरेट ले रखा है तो डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी होता है। तो बॉडी से क्या है, बारबिट्यूरेट को बाहर निकालना है तो उसके लिए ऑस्मोटिक डायरेटिक का यूज़ किया था विद सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से यूरिन के थ्रू उस बारबिट्यूरेट्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम किया जाता है, जो हैवी डोज ऑफ बारबिट्यूरेट ले ली हो डिटॉक्सिफिकेशन कंडीशन में। नेक्स्ट है आपका डाइफेनहाइड्रामीन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। मैंने डाइफेनहाइड्रामीन का यूज़ करते हैं जो आपके बारबिट्यूरेट्स को छोड़ दे, विड्रॉलिंग की जाता है उस कंडीशन में, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो विड्रॉलिंग सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए किया है डाइफेनहाइड्रामीन जो यूज़ किया था। डाइफेनहाइड्रामीन बेसिकली आपका हिस्टामिन एंटागोनिस्ट होता है, इसका यूज़ किया जाता है। और विड्रॉलिंग सीजर्स, और कभी कभी ऐसा भी होता है जब बारबिट्यूरेट लॉन्ग टाइम से ले रहा है अगर वो छोड़ेगा तो उसको सीजर्स आते हैं, मतलब दौड़े पड़ते हैं, तो सीजर जो पड़ रहे हैं उसको दबाने के लिए हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन डाइजीपाम क्लोरा कार्बिजीपाम जो यूज़ कर रहे हैं डाइजीपाम देते हैं जिससे कि उसके सीजर्स वाले जो इफेक्ट हो रहे हैं विड्रॉल छोड़ने का जो सीजर हो रहे हैं दौड़े पड़ रहे हैं उसको कम किया जा सके। तो इन सब का ट्रीटमेंट यूज़ किया, पहला क्या सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन, तीसरा क्या डाइफेनहाइड्रामीन सिम्टम रिलीफ के लिए, और लास्ट वन विड्रॉल करने छोड़ने पर जो सीजर्स के जो झटके आ रहे हैं उसको कम करने के लिए हमने डाइजीपाम का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या फिर आपका कार्बिमेजेपाम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में आता है बेंजोडाइपिन डिपेंडेंस। बेंजोडाइपिन आपके सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं स्लीपिंग पिल्स की तरह पर, जितनी भी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है वो सभी आपकी बेंजोडाइपिन हैं। तो अक्सर आजकल ये पॉइजनिंग बहुत होती है, स्टूडेंट्स होते हैं स्लीपिंग पिल ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लेते हैं तो उस कारण जो पॉइजनिंग होगी वह या फिर डिपेंडेंसी हो जाती है क्योंकि वो डाइजीपाम बार बार लेते हैं ताकि उन्हें इफ्यूरेंट इफेक्ट आता है, लगता है कि माइंड शांत हो रहा है, टेंशन कम हो रही है, एंजाइटी कम हो रही है और थोड़ा सा इफ्यूरेंट इफेक्ट आएगा, तो वो भी आपके बेंजोडाइपिन का यूज़ करें लगते हैं लोग, नींद की गोली का यूज़ करते हैं तो वो भी क्या है डिपेंडेंसी हो जाती है इसके ऊपर। तो उसको विड्रॉल करने के लिए भी क्या सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यूज़ की जाती है। सब्स्टिट्यूशन थेरेपी मतलब क्या है, लो पोटेंट कंपाउंड दिया जाता है, वो क्या है क्लोरो डाइपॉक्साइड दिया जाएगा स्टार्टिंग में ताकि वो क्या है उसके इफेक्ट को थोड़ा हल्के हल्के कम करे और तलब को थोड़ा कम करे। और उसके अलावा आपका फ्लूमाजिन दिया था जो गाबा एंटागोनिस्ट है, 0.2 mg पर मिनट से लेकर हम 5 mg पर मिनट लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, जिसकी डोज बढ़ा दी जाती है। तो ये फ्लूमाजिन है, ये बेसिकली गाबा एंटागोनिस्ट है, यानी कि जहाँ पर वो गाबा जहाँ पर ये बेंजोडाइपिन एक्ट होता है जिस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है,
जिससे कारण क्या जो विड्रॉलिंग सिम्टम्स हैं वो आपके कम से कम स्टैंडर्ड होते हैं, वो कम से कम विड्रॉलिंग सिम्टम्स क्या होंगे कम कर दिए जाते हैं ताकि वो आसानी से उसको छोड़ सके। तो ये कंप्लीट हुआ आपका पूरा ड्रग डिपेंडेंस या ड्रग फॉर डी एडिक्शंस। तो मैम तीन ड्रग की बात कीजिए, एक तो बात की हमने अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए, दूसरी बात की ऑपियाइड डिपेंडेंस के लिए, तीसरा निकोटिन डिपेंडेंस के लिए, चौथा था आपका बारबिट्यूरेट डिपेंडेंस के लिए, लास्ट में आपका बेंजोडिएज़ेपिन डिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका ड्रग फॉर डी एडिक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका शायद CPR का है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी शेयर करने पर उसकी हेल्प हो सकता है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए वीडियोज़ का, और नई नई इन्फॉर्मेशन आपको नया नया ज्ञान मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।